लोकसभा चुनाव बीत गया, लोकसभा चुनाव बीत गया, लोकसभा चुनाव के अनुभवों को देखकर उससे लाभ लेते हुए विधानसभा चुनाव में पूरा दुरुस्त होकर एनडीए मजबूती से आएगा, लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि राज्यसभा का शपथ लेने के बाद वह पहली बार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और जब मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया गया तो क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, सुनाते उनके पूरे बयान। लोकसभा चुनाव बीत गया, लोकसभा चुनाव बीत गया, लोकसभा चुनाव के अनुभवों को देखकर उससे लाभ लेते हुए विधानसभा चुनाव में पूरा दुरुस्त होकर एनडीए मजबूती से आएगा, लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात की है। उनका जो बयान आया है उससे कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का चेहरा, चाल चरित्र क्या है उजागर हुआ है। इन लोगों ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है, अभी यहाँ आरक्षण के हितैषी होने की नौटंकी करते देश में घूम रहे हैं, लेकिन असली चेहरा वहाँ उन्होंने उजागर कर दिया है। अब RJD के नेता लालू यादव जी से, तेजस्वी से हम कहना चाहते हैं कि अब एक तरफ आप बिहार में आरक्षण की बात करते हैं, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने उस आरक्षण को समाप्त करने की बात की है, अब क्या करेंगे ये लोग, राहुल जी के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अब यह देखना। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए ने 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई, अब 2025 विधानसभा चुनाव में भी एनडीए जो है वह सरकार बनाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।